हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं राग चंद्र कौंस का एक नगमा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये नगमा जो है ये ताल झपताल में है। झपताल जो है वो 10 मात्रा की ताल होती है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान से अच्छे से देखें ताकि आप अच्छा कर सके और अच्छा बजा सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सीधा आपके पास पहुंचे और आप इसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? और अगर आप विधिवत सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, ठीक है? आप ऑनलाइन ज्वाइन करें तो आप घर बैठे ही बहुत अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं राग चंद्र कौंस, नगमा, ताल झपताल, 10 मात्रा। सबसे पहले राग चंद्र कौंस का आरोह अवरोह और उसके बाद नगमा के सरगम। आरोह अवरोह जैसे मैंने अभी आपको शुरू में गाकर दिखाया है, यही है आरोह अवरोह। और आरोह अवरोह का प्रैक्टिस हमें किस प्रकार करना चाहिए वो मैंने शुरू में बताया है आपको। आरोह अवरोह का सा से सा तक ही नहीं प्रैक्टिस होता है, ऊपर भी हम जा सकते हैं और नीचे भी हम जा सकते हैं। बस नोट्स हमारे उसी राग के होने चाहिए जिस राग का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए फिर से देखते हैं एक बार आरोह अवरोह। सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग म ग सा ग म ग सा। ग को हम वाक्य प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब इसका हम कंटिन्यू कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आरोह अवरोह का शुरू में बिल्कुल स्लो में आप प्रैक्टिस करें, स्पीड बिल्कुल मत बढ़ाएं। और जब शुरू में आप अच्छे से पहले नोट्स को याद कर लेंगे, गले में बैठ जाएंगे, तो आप उनका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग सा नि सा। एक बार में नी को ले लें और ऊपर जब जाएंगे तो ग को ले लेंगे। नि सा ग म ध नि सा ग सा नि ध म ग म ग सा नि ध नि सा ग म ग सा। कहीं से भी आप बीच में लौट सकते हैं, कहीं से भी आप आगे जा सकते हैं। ग म ध म ग म ग म ध म ध नि ध म ग म ग सा नि सा नि ध म ध नि सा नि सा ग सा नि सा ग म ग सा। किसी भी प्रकार से आप उनको उलट कर करके उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना अच्छा आप आरोह अवरोह का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका गला बनेगा और उतनी अच्छी आपकी राग की तैयारी होगी, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं नगमा की सरगम क्या होगी। पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ और उसके बाद लय में बताऊंगा। सा सा नी धा नी सा धा मा गा मा धा नी और फिर सा। अगर इनको हम गिनती करें तो कितनी हुई? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, सा सा नी धा नी सा ये एक गिनती में ही आएंगी, और उसके बाद धा मागा ये भी एक गिनती में आएगा मागा, और उसके बाद मा धा नी और फिर सा। अब आइए लय में देखते हैं। सा सा नी धा नी सा धा म ग म ध नी सा सा नी धा नी सा धा म ग म ध नी सा सा नी धा नी सा धा म ग म ध नी सा, ठीक है? तो इस प्रकार ये कंटिन्यू चलेगा। जो लोग अपना आवाज देकर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आवाज के साथ प्रैक्टिस करें, और जो खाली हारमोनियम प्ले करते हैं उनके लिए वो खाली हारमोनियम को भी बजा करके बजा सकते हैं। इससे आपकी ताल भी मजबूत होगी
और आपको ताल का भी बहुत अच्छा नॉलेज होगा। अगर आपके साथ कोई रीदम मास्टर है तो वो झप ताल बजाएगा, आप उसमें प्रैक्टिस करें इसका, और पहले उसको अच्छे से तैयार कर लें और फिर खूब इसका स्पीड भी बढ़ाएं ताकि आपकी उंगलियां अच्छे से हारमोनियम में चल सके। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नगमा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।